जुबैर बट जिनका ताल्लुक रावलपिंडी रीजन से है, इनका मुकाबला होगा मोहम्मद यूनस के साथ जिनका ताल्लुक भावलपुर रीजन से है। ये मैच रेफरी की विसल और इसी के साथ पहले राउंड का आगाज। और ये मोहम्मद जुबैर भट जो कि रेड कॉस्ट्यूम में है और मोहम्मद यूनस जो कि ब्लू कॉस्ट्यूम में है, बहुत उम्दा जुबैर ने यहाँ पर सिंगल लेग अटैक किया और देखते हैं कि वो यहाँ पर कितने पॉइंट्स अपने नाम करते हैं और ले पाते भी हैं या नहीं। पहले राउंड का ये दिलचस्प मुकाबला, जुबैर भट कोशिश कर रहे हैं कि मैं यहाँ से पॉइंट हासिल कर लूँ, बल्कि जबकि मोहम्मद यूनस ने एंकल पिक किए हुए हैं जुबैर भट के और मुसलसल कोशिश कर रहे हैं जुबैर भट के यहाँ से मैं पॉइंट लेकर ही लौटूँ, जबकि मोहम्मद सहेल जिनका ताल्लुक लाहौर रीजन से है और बहुत उम्दा अंदाज से ये रेफरी कर रहे हैं आगे वो मुसलसल की, क्योंकि यहाँ पर दोनों की जानब से कोई पॉइंट स्कोर नहीं किया गया था और फाइट उन्होंने ओपन करवा दी जी। और ये रेफरी की विसल के साथ दोबारा फाइट स्टार्ट हुई। जुबैर भट वर्सेस मोहम्मद यूनस, इस वक्त बहुत ही दिलचस्प हो चुका है ये मुकाबला, क्योंकि दोनों ही प्लेयर्स बहुत ही आला कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं और कोई मौका नहीं दे रहे एक दूसरे को कि वो पॉइंट स्कोर कर पाए। जुबैर भट जो कि रेड में हैं और ब्लू में हैं मोहम्मद यूनस, पहले राउंड का एक मिनट गुजर चुका है और अभी तक कोई भी प्लेयर पॉइंट हासिल करने में कामयाब नहीं हुआ। एक अच्छा अटैक यहाँ पे मोहम्मद यूनस की जानिब से, लेकिन खूबसूरत अंदाज से उसको काउंटर किया यहाँ जुबैर भट ने। कोच फरीद, इंटरनेशनल कोच फरीद और उनके साथ सज्जाद अली मौजूद हैं और इस फाइट पर एनालिसिस कर रहे हैं और जुबैर भट के खिलाफ यहाँ पर टू पॉइंट्स हुए जो कि मोहम्मद यूनस ने हासिल किए। दो पॉइंट हासिल करने में कामयाब यहाँ पे मोहम्मद यूनस, बहुत ही अच्छा अटैक किया था उन्होंने और दो पॉइंट हासिल करने में कामयाब हुए। जुबैर भट मुझे लग रहा है जैसे थोड़ा सा प्रेशर में आ चुके हैं यहाँ पे। हाँ, मुझे लगता है क्योंकि जुबैर एक अच्छा एथलीट हैं, मोहम्मद यूनस बाजार सी बात है वो भी मेहनत करके आए हैं, तो यहाँ पर कुछ प्लेयर्स जो हैं वो प्रेशर ले जाते हैं, कुछ कन्फ्यूजन का भी शिकार हो जाते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि वो शख्स कामयाब नहीं हो पाता जिसमें नाकामी का खौफ कामयाबी की चाह से ज़्यादा हो, तो यहाँ पर प्रेशर चेस करना भी बहुत मायने रखता है और यहाँ पर जो जुबैर भट हैं वो मुसलसल कोशिश कर रहे हैं कि वो यहाँ से पॉइंट स्कोर कर सके, लेकिन रेफरी की विसल और फाइट सामने जी। तीन दफ़ा बहुत अच्छा अटैक बनाया था जुबैर भट ने, लेकिन बहुत खूबसूरत अंदाज में उसको काउंटर करा यहाँ मोहम्मद यूनस ने और उन्हें कोई मौका नहीं दिया पॉइंट हासिल करने का। और अभी भी लेफ्ट लेग साइड से अटैक कर रहे हैं की कोशिश कर रहे हैं जुबैर भट और ये अच्छा अटैक यहाँ पे होल्ड किया हुआ उन्होंने मोहम्मद यूनस को और यहाँ पर पिन किया हुआ है जुबैर भट ने। देखते हैं यहाँ पे वो फाल करने में कामयाब रहते हैं या नहीं, जबकि मोहम्मद यूनस बहुत थक चुके हैं लेकिन वो हिम्मत नहीं आ रही। जुबैर भट भी बहुत इस वक्त कोशिश में है लगातार कि मैं यहां से पॉइंट स्कोर कर सकूं, जबकि मोहम्मद यूनस बहुत उम्दा तरीके से यहां पे डिफेंड कर रहे हैं। मोहम्मद यूनस जिनका ताल्लुक बहावलपुर रीजन से है और जुबैर भट जिनका रावलपिंडी रीजन से ताल्लुक है। जुबैर भट जो क्रेड में है, चार पॉइंट हासिल करने में कामयाब, मोहम्मद यूनस दो। मैच रेफरी की विसल और इसी के साथ पहले राउंड का इख्तिताम। टैलेंट हंट यूथ स्पोर्ट्स लीग रेसलिंग पंजाब प्रोविंस के ये मैचेस जुआ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स लाहौर में जारी और आज राउंड फोर के मैचेस खेले जा रहे हैं। ये 74 केजी वेट कैटेगरी का सेकंड मैच है, जुबैर भट वर्सेस मोहम्मद यूनस। जुबैर भट रावलपिंडी रीजन से है और यहाँ पे अच्छा अटैक जुबैर भट की जानिब से, दो पॉइंट हासिल करने में कामयाब, जुबैर भट सिक्स मोहम्मद यूनस टू। बहुत ही उम्दा तरीके से यहाँ पे कमबैक किया सेकंड राउंड में जुबैर भट ने और छः पॉइंट हासिल कर चुके हैं अब तक, चार पॉइंट की लीड है उनके पास।
बहुत ही एहसन अंदाज से ज़ुबैर भट्ट ने यहाँ से अटैक किया और ज़ुबैर यहाँ पर पॉइंट दो लेने में कामयाब रहे और यहाँ पे वो उन्होंने फाल में पिन की शक्ल में ज़ुबैर भट्ट ने मोहम्मद यूनुस को फाल कर लिया और वो ये फाइट जीत चुके हैं। जी हाँ, यूनुस को ज़ुबैर भट्ट ने ये फाइट जीत ली। नेक्स्ट फाइट है राणा आदल। ज़ुबैर भट्ट ने बहुत ही अच्छे तरीके से इस प्रेशर को टैकल किया और बहुत आला कमबैक करके इस मैच को जीत लिया है।